गोंडा में एक महिला के फरार होने के बाद उस समय हड़कंप मच गया जब उसके पति ने उसकी गुमशुदगी का मामला थाने में दर्ज कराया। पति ने पत्नी की हत्या कर शव छुपाने के आरोप में गांव के ही चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दरअसल जिले के कटरा बाजार थाना क्षेत्र के देवा पसिया गांव में रहने वाले राम सेवक पर कटरा बाजार और कर्नलगंज थाने में दो दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी वजह से वो जेल में रहकर सजा काट रहा है। राम सेवक की पत्नी दो साल पहले घर से अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद राम सेवक ने गांव के चार लोगों को फंसाने के लिए पहले तो कटरा बाजार थाने में तहरीर दी और इसकी शिकायत एसपी और डीआईजी को भी की, लेकिन जब मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट का सहारा लेकर गांव के ही चार लोगों पर पत्नी की हत्या कर शव छिपाने के आरोप में मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस को लापता महिला नेपाल बॉर्डर से सकुशल बरामद किया। पूछताछ करने पर पता चला कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर वो घर से भाग गई थी और बहराइच पहुंचकर उसने दूसरी शादी कर ली, जिससे उसे एक बच्चा भी है। 12 फरवरी में अभी थाना कटरा बाजार अंतर्गत भटपुरवा के रहने वाले श्री राम सेवक दीक्षित ने ये अभियोग पंजीकृत कराया था माननीय न्यायालय के माध्यम से कि उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है और लाश गायब कर दी गई है। अभियोग 12 फरवरी को दर्ज हुआ था। कटरा पुलिस ने इसमें विवेचना की और पता चला कि जिस महिला की हत्या का अभियोग इन्होंने पंजीकृत कराया है वो जिंदा है और बहराइच में रह रही है। ये दरअसल राम सेवक दीक्षित एक घोर अपराधी हैं। इन पे करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे चोरी, अपहरण और गैंगस्टर आदि के मुकदमे इन पर कायम हैं और जब ये 14 माह जेल काट कर अपने घर पहुँचे तो इन्होंने पत्नी को जब घर में नहीं देखा तो अपने विरोधियों के विरुद्ध झूठा मुकदमा इन्होंने पंजीकृत करा दिया। पुलिस ने जो है इसको जिंदा बरामद किया और इसने बताया कि ये अपनी मर्जी से अन्यत्र कहीं रह रही है अपने पति के डर से, क्योंकि इसका पति अपराधी प्रवृत्ति का है और अक्सर जेल में रहता है। फिलहाल पुलिस ने 2 साल पहले लापता हुई महिला को बहराइच के सोनपुर से सकुशल बरामद कर लिया है और झूठे केस में फंसाए जा रहे चारों लोग निर्दोष साबित हुए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोंडा से ओमचंद की रिपोर्ट।